विफलताओं को उजागर करने का काम हम कर रहे हैं। इस तरह से कोरोना काल में जब जनता की सेवक के भांति सरकार को काम करना चाहिए था, उस समय वो सरकार सेवक की बजाय वो जनता को लूटने दे रही थी। जनता को जो तकलीफ हो रही थी उस पर कोई संवेदना नहीं थी और लोग त्राही त्राही कर रहे थे। एक तो महामारी, ऊपर से अस्पतालों में इलाज नहीं, और जब प्राइवेट अस्पतालों की ओर जनता और मरीज जब जाते हैं तो वहां पर लूटने के सिवा उन्हें कुछ नहीं था। मजबूरी थी दिल्ली की जनता की। अब जो कोरोना से परेशान है, जो बीमार है, वो जाएगा प्राइवेट अस्पताल में अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री जी, उनका हाल ऐसा था जैसे यूं कहे कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, तो केजरीवाल जी भी नीरो की तरह बंसी बजा रहे थे, रोज नए नए झूठे झूठे तसल्ली दे रहे थे, झूठी वादे कर रहे थे। और तकलीफ ये भी होती कि जब कोरोना पीक पर था इस बार सेकेंड वेव में, तो पहली लहर जब आई थी उस समय जनता के दबाव के आगे दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री जी भी और सबने मीटिंग करके एक दिल्ली सरकार ने रेट डिसाइड किया था और वो रेट कैपिंग की थी प्राइवेट हॉस्पिटल की, जिससे कि मरीजों के उनके परिजनों को ज्यादा पैसे ना देने पड़े। और ये प्राइस कैपिंग की घोषणा भी हुई थी, शायद आपको ध्यान होगा उस समय वो प्राइस कैपिंग के जो रेट थे, नॉर्मल रूम जिसके अंदर आइसोलेशन था उससे 8 से 10 हजार रुपए का रेट था, और इसी तरह से वेंटिलेटर विदाउट आईसीयू बेड विदाउट वेंटिलेटर 10 से 12 हजार रुपए था, 13 से 15 हजार, और इसी तरह वेंटिलेटर बेड की कीमत किराया 15 से 18 हजार रखता था। लेकिन इस बार इस प्राइस कैपिंग का प्राइवेट अस्पतालों ने कोई पालन नहीं किया, जो दिल्ली सरकार ने 20 जून 2020 को जारी किया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और प्राइवेट अस्पताल बुरी तरह से लोगों को लूटते रहे। 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए के बिल